आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है और केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे। उनकी कैबिनेट में मनीष सिसोदिया का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। समय संवाददाता रश्मि कुमार ने मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया से बातचीत की। हर भविष्यवाणी को पीछे छोड़ते हुए आप दिल्ली में अब सरकार बनाने जा रहे हैं। 26 दिसंबर को केजरीवाल शपथ ग्रहण कर लेंगे, लेकिन उनके साथ काफी सारे लोग हैं जो इस मंत्रिमंडल में आएंगे और सबसे पहला नाम मनीष सिसोदिया जी का चल रहा है। मनीष सिसोदिया जी की पत्नी इस वक्त सीमा सिसोदिया हमारे साथ हैं, जो टीवी पर लगातार नजर घर से बनाई हुई है। सीमा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त दिल्ली में जो चुनावी अभी जो माहौल चल रहा है, पॉलिटिकल चेंजेस जो चल रहे हैं वो जबरदस्त है। घर के अंदर की हालात क्या है? घर में बढ़िया है, बेटा भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, सब खुश हैं, भैया भाभी सब वगैरह सब लोग खुश हैं काफी। सब कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, सुबह से मैं भी फोन पे ही थी। एक बहुत सामान्य, वैसे तो आम आदमी पार्टी अपने आप में सामान्य और असाधारण बन चुकी है, और मनीष जी का जो बैकग्राउंड रहा है, पहले मीडिया के साथ जुड़े, उसके बाद अपना एक एनजीओ चलाया, अब वो जाके आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अब कहा जा रहा है कि वो अच्छा पोर्टफोलियो उनको मिलने वाला है, और एक नहीं दो नहीं कई सारी पोर्टफोलियो संभालेंगे खुद मनीष जी। जी, मतलब पहले मीडिया के साथ थे तो इन्हें भी तब भी कुछ लगता था कि मतलब कुछ अलग करना है, तो इन्होंने मीडिया छोड़ा, उसके बाद में इन्होंने एनजीओ चलाया, फिर भी मतलब हमारी 99 में अरविंद भैया से मुलाकात हुई थी, उसके बाद लगा कि मतलब थोड़ा आम आदमी के लिए कुछ करना है।